यूपी के मौसम समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। जानेंगे यूपी के सभी जिलों के मौसम का हाल, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। चलिए जानते हैं आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में तापमान कैसा रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का मौसम क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में किस तरह मौसम का मिजाज रहेगा, क्या कुछ अंतर उत्तर प्रदेश के मौसम में देखने को मिलेगा, क्या उत्तर प्रदेश में ठंड का माहौल जारी रहेगा और कहां कहां पर बारिश के आसार हैं, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जल्दी से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों का तापमान, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में क्या कुछ तापमान जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बारिश और प्रदूषण के क्या कुछ हाल हैं, ये भी हम जानेंगे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम साफ होने के आसार हैं, जिसके चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, कई ज़िलों में हल्की बारिश हुई है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम साफ हो जाएगा, इसके बाद उत्तर पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाओं की गति में इजाफा होगा और इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, ठंड बढ़ने लगेगी। और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बहुत काम की खबर यह है कि 24 नवंबर से गलन और शीतलहर शुरू हो सकती है। जी हाँ, इस साल यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, दो चार दिन से ही कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है, हार कपाने वाली ठंड उत्तर प्रदेश में पड़ सकती है। अगर अलग अलग शहरों के तापमान के हाल जाने तो लखनऊ में अधिकतम तापमान 27, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 29, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। दोनों ही जगह पर बादल और धुंध छाई हुई है। अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोहरा धुंध यहां पर भी बनी हुई है। कानपुर में अधिकतम तापमान 27, न्यूनतम 14, गोरखपुर में अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास से, अयोध्या और मेरठ दोनों ही जगह अधिकतम तापमान 27 है, लेकिन मेरठ में न्यूनतम तापमान काफ़ी कम है, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। आगरा की बात करें तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो कुल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा यूपी के ज़िलों में ठंडक देखी जा रही है। वहीं आपको बता दें कि यूपी के कुछ शहरों में हल्की बारिश की भी संभावना जो है बनी हुई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आगरा, मथुरा, झांसी, कानपुर, महोबा समेत कुछ स्थान पर बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 24 नवंबर से शीतलहर शुरू होगी और मैदानी इलाकों में जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम पर न्यूनतम तापमान पहुंच जाता है तो शीतलहर घोषित की जाती है। आपको बता दें कि यहां पर काफ़ी ज़्यादा ठंड यूपी में पड़ने वाली है, शीतलहर के आसार हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अभी 2 दिन तक बेमौसम बारिश का सिलसिला बना रहेगा और इसके बाद कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ जगहों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक जा सकता है। आने वाले 2 से 4 दिनों में हाड़ कपाने वाली सर्दी का एहसास होगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल सर्दी की दस्तक अक्टूबर में ही हो गई थी, तापमान में गिरावट आ रही है तो कोहरा भी जल्दी पड़ना शुरू हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि शीतलहर और कोहरे के इस साल भी काफ़ी अधिक रहने के आसार हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जल्दी ही शीतलहर पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बारिश के बाद ठंड ने भी काफ़ी ज़्यादा दस्तक दे दी है, रात के साथ दिन के तापमान में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है और इसके चलते दिन में अच्छी खासी ठंडक का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के आसार हैं, खास तौर पर 24 नवंबर के बाद से यूपी के लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड यूपी में बढ़ सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामान्य रहेगा। हर दिन मौसम से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और एक प्यारा सा लाइक कर दें। धन्यवाद।